एक्सपीरियंस है साउंड ऑफ साइलेंस का इसी को आत्मबोध कहते हैं बोध का मतलब एक्सपीरियंस और इस एक्सपीरियंस की जो समझ है उसको आत्मज्ञान कहते हैं रियलिटी एक ही है जब आप किसी मीडियम के थ्रू देखते हो तो वो ही रियलिटी अलग दिखती है जैसे वो लाइट जिसमें कोई कलर नहीं है कलरलेस है जब वो एक पानी की बूंद के थ्रू पास होती है तो रेनबो दिखने लग जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लाइट कलरलेस भी है और कलरफुल भी है रेनबो बनता है और मिटता है लाइट बनती और मिटती नहीं है पानी की बूंद के होने की वजह से उस टाइम पर उस जगह पर रेनबो बन जाता है दिखने लग जाता है बनता भी नहीं है ये भी कहना गलत होगा बन जाता है क्या बना दिख रहा है अपियरेंस फिर जब बारिश होनी बंद हो जाती है तो रेनबो दिखना बंद हो जाता है लेकिन चाहे वहाँ पर पानी की बूंद है या नहीं है रेनबो है या नहीं है उसका लाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ेगा अगर वो लाइट खुद को रेनबो समझ लेगी तो अगर वो लाइट खुद को पानी की बूंद समझ लेगी तो भी फर्क पड़ेगा जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रेनबो दिख रहा है वो इंस्ट्रूमेंट मिट जाएगा जब वो इंस्ट्रूमेंट नहीं तो रेनबो कहाँ है अगर देखने के लिए आंखें नहीं है तो ये दिखने वाली दुनिया कहाँ है सुनने के लिए कान नहीं है तो आवाज कहाँ है तो आत्मज्ञान क्या है कि कहीं कोई ऐसी लाइट है और वो लाइट आपसे अलग नहीं है वो आप ही हो ये है आत्मज्ञान यानी कि नॉलेज आपको कुछ समझाया जा रहा है जो ट्रेडिशनल बात है आत्मज्ञान के इसलिए जिससे कि आत्मबोध हो जिससे कि आप उस लाइट को एक्सपीरियंस कर सको नहीं तो आप कहोगे ये तो एक बिलीफ है सारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि कहीं कोई रियलिटी है उसको अलग अलग नाम दिए हैं लोगों ने लेकिन सबने कहा है कि हाँ कुछ है किस बेस पे कहा है एक्सपीरियंस किया तभी तो कहा है कोई थ्योरी के होने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपीरियंस का होना तो जरूरी है ना ऐसी थोड़ी थ्योरीज बन जाती है कुछ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा उसको कहने का तरीका अलग अलग है हर एक का तो ट्रेडिशनल पाथ क्या है आपको ज दी जाती है समझाया जाता है कि देखो आप क्या हो क्या नहीं हो किस लिए कि एंड में जाकर के आत्मबोध हो सके आत्मा मतलब मैं अपने होने का एहसास हो सके वो एहसास जो कोई थॉट ना हो जिसका आत्मज्ञान से भी कोई कनेक्शन ना हो आत्मबोध का और आत्मज्ञान का आपस में क्या कनेक्शन है वर्ड इज नॉट द थिंग आप एक आवाज़ को सुन रहे हो आप अभी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो सुन करके आप उस आवाज़ के बारे में सोच रहे हो या आपने कोई ऑब्जेक्ट को देखा उसको टच किया तो वो जो टच है वो जो एक्सपीरियंस है वो जो बोध है उस चीज के वहाँ पर होने का वो एक अलग टॉपिक है और उस टच के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है लाखों किताबों में वो एक अलग टॉपिक है दोनों अपने आप में अलग अलग, अलग चीजें हैं एक है एक जगह के बारे में आप पढ़ रहे हो उसके बारे में सुन रहे हो एक है आप उस जगह पर हो आपने बहुत सुना है आप एक गर्म जगह पर रहे हो बचपन से ही यहाँ पर बहुत गर्मी है तो आपने बहुत सुना है ठंड के बारे में ठंड ऐसी होती है ठंड वैसी होती है ठंड है आप कहोगे नहीं ठंड नहीं है मैंने कभी ठंड को एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन फिर कोई आकर के आपको कहेगा कि नहीं देखो ठंड है तो ये क्या है ठंड ज्ञान ठंड का आपको ज्ञान दिया जा रहा है लेकिन आपको चाहे पचास साल तक ज्ञान दे दिया जाए उसका ठंड बोध से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है ठंड ज्ञान का अगर कुछ भी बेनिफिट है तो वो सिर्फ इसीलिए है कि ठंड बोध हो सके नहीं तो ज्ञान इज यूजलेस इट इज मीनिंगलेस यही लोगों ने पास में गलती करी है आत्मज्ञान में उलझ के रह गए किताबों में उलझ के रह गए फंस गए जाकर के किताबों में स्क्रिप्चर्स में फंस गए और इमेजिन करने लग गए कि हमें बोध हो गया है एक्सपीरियंस हो गया है आत्मा का एक्सपीरियंस अपने होने का एक्सपीरियंस इमेजिन कर रहे हैं ये कोई इमेजिनेशन नहीं है एक रियलिटी है जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है आपका होना कोई इत्तफाक नहीं है जैसे एक रेनबो का होना क्या है एक कोई है बूंद के वहां पर होने से रेनबो अपियर हो जाता है बूंद के हटने से रेनबो हट जाता है आपको को इंसिडेंस नहीं हो कोइंसिडेंस मतलब जब दो इंसिडेंसेस जुड़ जाए उसको बोलते हैं को इंसिडेंस ये इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बॉडी कहते हैं और ये यूनिवर्स ये दोनों जुड़े पड़े हैं दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते जब भी यूनिवर्स बोलूं उसमें पांचों एलिमेंट्स आ गए तो स्पेस भी आ गया तो स्पेस कहां है बॉडी में बॉडी कहां है स्पेस में वेयर इज दी एक्सपीरियंस ऑफ स्पेस विदाउट अ बॉडी हाउ कैन बॉडी एग्जिस्ट विदाउट स्पेस इसको को एग्जिस्टेंस बोलते हैं दो चीजें साथ में आ गई कुछ देर के लिए बट यू आर नॉट अ को अभी गड़बड़ क्या हो रही है एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस्ड यहां पर हम कंफ्यूज्ड हैं हम एक्सपीरियंसर बोलते हैं इस बॉडी को ये बॉडी इनर्ट है इसके थ्रू एक्सपीरियंस किया जा सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है इस बॉडी के थ्रू वो एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंसर द रियल एक्सपीरियंस बट उस जगह पर ये जो मैं जिसको हम मैं बोलते हैं उसके लिए कोई जगह नहीं है लोग गलती क्या करते हैं ये मेरी कॉन्शियसनेस है आपकी कैसे हुई क्वेश्चन नहीं करता है इतना आगे तक तो वैसे कोई जाता ही नहीं है वो तो यहीं तक रहते हैं मेरी बॉडी है इससे बहुत आगे बढ़ते हैं बहुत इंक्वायरी करते हैं तो क्या बोलने लग जाते हैं कि मैं बॉडी नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ वॉट डू वी मीन बाय आत्मा मैं आत्मा हूँ जो इस बॉडी में हूँ और यहाँ से एक्सपीरियंस कर रही हूँ अब इस बॉडी से निकल करके किसी और बॉडी में चला जाऊँगा और फिर वहाँ पर एक्सपीरियंस करने लग जाऊँगा तो ये मैं नहीं मरा ना आत्मा पर आपका कब्जा है आत्मा क्या आपकी आत्मा है ये कॉन्शियसनेस आपकी है क्रिएशन में क्या है जो आपका है कुछ भी नहीं सिर्फ नाम के लिए है जैसे जमीन को हम बोल देते हैं कि मेरी है तो जैसे ही मैंने बोला ये जमीन मेरी है दुखी होने लग जाते हैं सुखी होने लग जाते हैं यहां से सुख दुख की शुरुआत होती है यहां से दुनिया की शुरुआत होती है इस बॉडी को हमने बोल दिया ये मेरी है तो सुख दुख शुरू तो ये एक बहुत बड़ा एरर है इस एरर को अगर बड़े आराम से साइलेंटली अगर देखा जाए तो आपको आप तो मिलोगे लेकिन आपका कुछ भी नहीं मिलेगा आप हो इस पर डाउट नहीं किया जा सकता है लेकिन आपका कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है जब आपका नहीं है तो किसी और का भी नहीं है जब आपका कुछ नहीं है तो किसी और का भी कुछ नहीं है जब आपकी ये कॉन्शियसनेस नहीं है तो किसी और की भी नहीं है कॉन्शियसनेस है वो तो कॉन्शियसनेस मैं हूं तो उस मेहू के लेवल पे हम सब जुड़े पड़े लोग गलती क्या करते हैं मैं इस बॉडी से देख रहा हूं मैं यहां से देख रहा हूं तो ये मैं हूं। ये मेरी कॉन्शियसनेस है अब ये बॉडी मरने वाली है तो मेरी कॉन्शियसनेस भी मरने वाली है या फिर इमेजिन करते हैं कि अब मेरी ये जो कॉन्शियसनेस है ये इस बॉडी से निकल के किसी और बॉडी में जाने वाली है दोनों जगह पर है। क्या ये कॉन्शियसनेस मेरी है कॉन्शियसनेस के होने की वजह से एक्सपीरियंस हो रहा है क्या ये एक्सपीरियंस मेरा है इस को की वजह से एक एक्सपीरियंस हो रहा है क्या वो एक्सपीरियंस मेरा है कानों के थ्रू जब कोई आवाज आती है जैसे कि उस आवाज का मेरे साथ में कांटेक्ट होता है तो एक एक्सपीरियंस होता है उस आवाज का इन तीनों में से क्या मेरा है क्या वो आवाज मेरी है मैं उस पर कब्जा कर सकता हूँ मैं बोल सकता हूं कि वो आवाज़ मेरी है जहां से भी वो आवाज आ रही है अब गलती लोग क्या करेंगे वहां पर भी इस बॉडी से आवाज निकल रही है तो मेरी है किसी और बॉडी से निकल रही है तो मेरी नहीं है सब एरर्स से आवाज तो आवाज है आवाज तो आवाज है उसमें क्या मेरा क्या तेरा आवाज़ें अपने आप बनती हैं अपने आप मिटती है फिर वो चाहे इस बॉडी के थ्रू बने चाहे किसी जानवर के थ्रू बने चाहे किसी इंसान के थ्रू चाहे बादलों के गरजने से बने कैसे भी बने आवाज़ तो आवाज़ है दो चीज़ें टकराएंगी तो आवाज़ होगी चाहे वो कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो हाथ मेरे आपस में टकराएं या एक हाथ आपका एक मेरा आपस में टकराए जैसे इन हाथों के टकराने से आवाज़ हो रही है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही अंदर कुछ टकरा रहा है जिसकी वजह से आवाज़ हो रही है हवा मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे दोनों हाथों के टकराने की वजह से है तो ये मेरी ताली की आवाज है मेरी आवाज है तो अब अगर एक हाथ आपका हो एक मेरा हो तो क्या कहोगे ये मेरी ताली की आवाज है या मेरी ताली की आवाज नहीं है एक हाथ मेरा है एक हाथ आपका है तो आप क्या कहने लग जाओगे ये हमारी ताली की आवाज है मेरी और तेरी ताली की आवाज है वॉट डू वी मीन बाय दैट इट इज ऑल्सो चाइल्ड ना वो आवाज पहले मेरी थी ना बाद में मेरी है आवाज आवाज है उस आवाज का जब कॉन्शियसनेस से कॉन्टैक्ट होता है तो एक एक्सपीरियंस होता है एक्सपीरियंस हुआ बना और मिटा बना और मिटा भी नहीं बना मिटा कब बना कब मिटा पता नहीं बना मिटा फिर गैप आया बना बेटा ये एक्सपीरियंस इसकी कहानी है फिर तो चाहे वो कानों के थ्रू हो चाहे आंखों के थ्रू हो चाहे ब्रेन के अंदर कुछ इंप्रेशन चल रहे हैं आया गया बीच में क्या हुआ गैप आया लेकिन इतनी जल्दी जल्दी होता है कि वो गैप्स हमको नजर नहीं आ रहे होते हैं गैप्स होते हैं जिसको आप ब्लैकआउट बोल सकते हो इसे गहरी नींद में होता है अगर आप एक मेडिटेटिव स्टेट में हो यानी कि बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए हो तो कुछ घंटों तक तो आप देखोगे धीरे धीरे जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है बहुत कम हो जाती है शुरू में बहुत तरह के थॉट चल रहे होते हैं बहुत तेज़ी से थॉट चल रहे होते हैं मतलब एक वीडियो चल रही होती है उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है वीडियो चलनी बंद हो जाती है एक थॉट आया डिजॉल्व हो गया फिर एक थॉट आया डिजोल्व हो गया दो ही चीज़ें हैं इस क्रिएशन में जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि वो है विथ कॉन्फिडेंस एक है साउंड ऑफ साइलेंस यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि वो है या नहीं है दूसरा है क्रिएशन क्योंकि हमें दिखती है तो वो जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो बदलती नहीं है वो मिटती नहीं है ये कोई थॉट नहीं है ये हमारा एक्सपीरियंस है ये कोई ज्ञान नहीं है ये बोध है तो ये नहीं बदलती है बाकी सब कुछ बदलता रहता है इंस्ट्रूमेंट्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड इंस्ट्रूमेंट इट्स सेल्फ ए सब्जेक्ट टू चेंज इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट सो दिस इज द ओनली कॉन्स्टेंट विच इज देयर विच वी कैन कॉल इट एज कॉन्स्टेंट साउंड ऑफ साइलेंस बाकी सब कुछ क्या है बाकी सब कुछ बदल रहा है जैसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम देख रहे हैं वो बदल रहा है आज आपकी आंखें हैं ठीक कंडीशन में है कल खराब हो जाएंगी तो कुछ और ही दिखने लग जाएगा हो सकता है आप कलर ब्लाइंड हो जाओ तो कलर आपको दिखेगा ही नहीं तो आपके लिए दुनिया बदल चुकी है बाकी दुनिया के लिए कुछ और है आपको चमगादड़ के जैसी आंख लगा दी जाए तो दुनिया कुछ और ही है अंधेरे में दिखने लग जाएगा सोचो अंधेरा मतलब क्या जहां पर कुछ नहीं है वहां पर कुछ दिखने लग जाएगा क्या हो रहा है तो अगर इसको हम ध्यान से समझेंगे कि तीनों में से मैं क्या हूं कोई एक्सपीरियंस आया और गया वो मैं हूं जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं हूं या जिसको एक्सपीरियंस हुआ वो मैं हूं तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जिसको एक्सपीरियंस हुआ वो मैं हूं इस पर मैं कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता क्योंकि थॉट के एग्जिस्ट करने के लिए फीलिंग के एग्जिस्ट करने के लिए सेंसेशन के एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी चीज के एग्जिस्ट करने के लिए मतलब कि इसकी जो फीलिंग हो रही है जो बोलना है वो तो रोबोट भी कर सकता है वो देख लेगा रिकॉर्ड कर लेगा उस रिकॉर्डिंग के बेस पे एक्ट कर लेगा उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता रहेगा तो बॉडी में और रोबोट में कोई फर्क नहीं अगर फर्क है तो सिर्फ इतना सा है कि मैं फील कर सकता हूं कि अगर मेरे यहां पर कुछ टच होता है तो मुझे फील होता है होता है ना उस पर मैं डाउट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है तो ये बात भी पक्की हो गई कि इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा यूनिवर्स आ गया मैं वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हूं जिसके थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट खुद एक ऑब्जेक्ट है जैसे मैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और चीजों को देख सकता हूं ऐसे ही इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस इंस्ट्रूमेंट को भी देख सकता हूं मैं वो मेमोरी भी नहीं हूं जिसको मैं मैं बोल रहा हूं ये एक एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने क्या कहा पहले मैंने सुना फिर मैंने देखा फिर मैंने बोला तो इन तीनों चीजों को मैंने जोड़ा ना ये तीनों अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं इन तीनों को मैंने जोड़ दिया जैसे फ्लावर्स हैं मतलब कि तीन अलग अलग फूल हैं वो तीन अलग अलग फूल मैंने तोड़े अलग अलग पेड़ से उन तीनों को जोड़ दिया और एक माला बना दी और इस माला को मैं मैं बोल रहा हूं मेरा मैं इसी पे तो टिका हुआ है ना नहीं तो मैं ढह जाएगा दो एक्सपीरियंसेस को आप जोड़ रहे हो अपनी बेवकूफी की वजह से इंक्वायरी ना करके इसी पे आपका मैं टिका हुआ है आप कैसे बोलते हो कि मैंने पहले देखा फिर मैंने उसको समझा देखना एक अलग एक्सपीरियंस है उसको समझना मतलब क्या जिसको देखा उसका नाम तो उस नाम को भी आप देख रहे हो अपनी ब्रेन में वो एक अलग एक्सपीरियंस है उस नाम से रिलेटेड जो कुछ पड़ा हुआ है उसको भी आप देख रहे हो बड़ी तेजी से देख रहे हो लेकिन देख रहे हो ये सब अलग अलग फ्रेम्स है अलग अलग एक्सपीरियंसेस है और उसको देख करके उसकी आवाज को सुन करके मैंने रिएक्ट किया मैंने उसको मारा तो मैं बहुत बुरा आदमी हूं उसकी आवाज को मैंने सुना और मैंने उसकी तारीफ करी उसने मेरी तारीफ करी तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं तो मैं क्या कर रहा हूं इन सब अलग अलग एक्सपीरियंसिस को जोड़ करके अननेसेसरी अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं जिनका आपस में दूर दूर तक तो कोई कनेक्शन नहीं है इस आवाज का और ये जो मुझे दिख रहा है यहां पर एक दीवार दिख रही है इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है कोई कनेक्शन है क्या एक्चुअल में कोई कनेक्शन है क्या नहीं है। तो मैं इन को जोड़ रहा हूं किसके बेस पे जोड़ रहा हूं मेमरी के बेस पे जोड़ रहा हूं एक एक्सपीरियंस हुआ उसको रिकॉर्ड किया अगर एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कैसे होगा जो भी आज तक आपने पढ़ा है सुना है समझा है वो किसके बेस पे उसका ग्राउंड क्या है अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस हुआ उसके बेस पे एक रिकॉर्डिंग हुई उस एक्सपीरियंस की रिकॉर्डिंग हुई फिर अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं ऑब्जेक्ट के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कॉन्शियसनेस से कांटेक्ट होते ही एक्सपीरियंस पैदा होता है और एक्सपीरियंस मर जाता है फिर कोई अलग कॉन्टैक्ट होता है उसके साथ में एक नया एक्सपीरियंस पैदा होता है और एक्सपीरियंस मर जाता है नया वो सेम एक्सपीरियंस कभी नहीं हो सकता हमें ऐसा लगता है कि सेम एक्सपीरियंस हो रहा है सेम नहीं हो सकता सिमिलर हो सकता है इट कंट बी सेम बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से आप देख रहे हो जिसको आप बॉडी बोलते हो वो भी बड़ी तेजी से बदल रही है जिसको आप देख रहे हो दुनिया बोलते हो वो भी बड़ी तेजी से बदल रही है तो सेम तो हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल सिमिलर हो सकता है तो दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए इन एक्सपीरियंसेस को हमने रिकॉर्ड किया उसके साथ में कोई नाम जोड़ दिया ये जो एक्सपीरियंस हुआ ये आवाज है ये क्या है एक नाम ही तो जोड़ा ना जो दिखा ये दिखा यह क्या, क्या है ये एक ऑब्जेक्ट है

ये टच है ये स्मेल है ये साउंड है ये साइट है इन सबको हमने डाल दिया फीड कर दिया मेमोरी में जैसे फोल्डर्स बना दिए अलग अलग उन फोल्डर्स के अंदर चीजों को डाल दिया अब उसको जोड़ करके कहानी बनाती अलग अलग एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया कॉन्शियसनेस अलग अलग नहीं है कॉन्शियसनेस नहीं बदल रही है कॉन्शियसनेस वही की वही है वो हमेशा तैयार रहती है आने दो किसी भी ऑब्जेक्ट को आने दो किसी भी एक्सपीरियंस को जाने दो किसी भी एक्सपीरियंस को कॉन्शियसनेस वही की वही है ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के आने की वजह से एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं और जा रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस की रिकॉर्डिंग हो रही है इसको मेमोरी बोलते हैं और उन अलग अलग एक्सपीरियंसेस को हम जोड़ करके एक समझ रहे हैं वो जो रिकॉर्डिंग है वो मरी हुई है एक्सपीरियंस मरा हुआ नहीं है ये ये जो रब हो रहे हैं दोनों हाथ आपस में ये मरा हुआ नहीं है इसको जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो जिंदा है तभी तो एक्सपीरियंस हो रहा है अब ये रबिंग होनी बंद हो गई हाथ आपस में रब नहीं हो रहे हैं अब इसके बारे में मैं सोच रहा हूं वो हाथ आपस में रब होते थे कितने अच्छे लगे थे काश के दोबारा से रब हो ये क्या है मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहा हूं जो अभी नहीं है मरा हुआ है वो मर चुका है अभी दोबारा रब हो रहे हैं अभी एक नया एक्सपीरियंस पैदा हो रहा है और मैं क्या कह रहा हूं अब अब इन दोनों को जोड़ रहा हूं जिनका आपस में कुछ जुड़ने वाली चीज है नहीं यहां पर कि पहले मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ बाद में कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ फिर एक एक्सपीरियंस हुआ लेकिन जब दोबारा किया तो इतना मजा नहीं आया जितना पहले आया था पहली बार में बड़ा मजा आया था दूसरी बार में इतना अच्छा नहीं लगा इतना मजा नहीं आया चल तीसरी बार ट्राई करता हूं तो पहला दूसरा तीसरा डू वी मीन बाय दैट इसकी गहराई को पकड़ना अगर पकड़ पाओ तो तो ये भी क्लियर हो गया कि भैया ये जो हम जोड़ रहे हैं वो सब झूठ है एक्चुअल में कहीं कुछ जुड़ने वाली चीज है ही नहीं देखो कितना मजेदार है और आप जोड़ किसके बेस पे रहे हो इंस्ट्रूमेंट के बेस पे बॉडी के स्टैंड पॉइंट से तो जोड़ रहे हो कि मुझे बचपन में ये एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद में ये एक्सपीरियंस हुआ बुढ़ापे में ये एक्सपीरियंस हो रहा है किसके बेस पर जोड़ रहे हो जो खुद बदल रहा है समझ गए कि अगर तो बॉडी नहीं बदल रही होती वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बदल रहा होता और उसके बेस पर आप जोड़ते फिर भी समझ आता कि हाँ ठीक है यार कुछ है जो नहीं बदल रहा है उसके बेस पे आप बदलती हुई दुनिया को जोड़ रहे हो इट हैज गॉट नो मीनिंग मतलब कि मुर्दे को मुर्दे से जोड़ दिया वो एक्सपीरियंस जिस बॉडी को हुआ था वो बॉडी तो बन करके मिट चुकी है कब की मर चुकी है एक साल में तो पूरे के पूरे हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन हैं सब बदल जाते हैं अलग अलग स्टडीज हैं कोई कहता है पांच साल में बदल जाती है कोई कहता है आठ साल में कोई दस साल में कोई एक साल में वोट मान लो दस साल में ही बदल जाती है तो आपकी जो दस साल पहले वाली बॉडी थी वो तो मर चुकी है तो वो बॉडी जो मर चुकी है उससे आपने किसको जोड़ रखा है उन सारे एक्सपीरियंसेस को जो मर चुके हैं किसकी वजह से जुड़ना पॉसिबल हो पा रहा है मेरी वजह से तो मैं ना तो वो मरी हुई बॉडी हूं ना उस मरी हुई बॉडी के थ्रू जो भी वो मरे हुए एक्सपीरियंसेस है वो मैं हूं तो मैं कौन हूं मैं वो हूं जिसको अभी इस मूवमेंट में ये एक्सपीरियंस हो रहा है इसका जो अगला पार्ट है उसको हम कल कर टच करेंगे